तो फिर नकली पीआई पकड़े हैं, क्या मामला? 10,000 रुपये का इनामी संजय मिश्रा निवासी रामलोचन मिश्रा निवासी रीवा को पुलिस ने बीओडब्ल्यू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये अगस्त 2021 में इसके खिलाफ में एफआईआर पंजीबद्ध हुई थी बीओडब्ल्यू रीवा में, जब ये कुछ अधिकारियों से शासकीय अधिकारियों से बीओडब्ल्यू की जांच के नाम पर बीओडब्ल्यू के छापे के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था, अवैध वसूली के प्रयास कर रहा था। जैसे ही इसका अकाउंट ब्लॉक करवाया, जो रीवा का यूनियन बैंक का अकाउंट था, उसकी तलाश शुरू की, ये रीवा से फरार हो गया और ये भोपाल में जाकर इसने अपने नए साथी रघुराजा गर्ग, जो कि पन्ना का रहने वाला है, जो भोपाल में रहता है, उसके अकाउंट का इस्तेमाल करना शुरू किया और वही मोडस ऑपरेंडी से उसने फिर से सरकारी अधिकारियों के नंबर पे धमकी देकर और रघुराजा गर्ग के अकाउंट में पैसे डलवाने शुरू किए। उसने श्योपुर, गुना, रतलाम, भोपाल, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, इनके रेवेन्यू अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी, पटवारी, आरआई, इन सबको धमका धमका के और किसी से 10,000, किसी से 25,000, किसी से 50,000 उस अकाउंट में जमा करवाए थे। पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया और संजय मिश्रा को भोपाल से उसका बेटा आसकत मिश्रा, जो कि मुख्य आरोपी है, और रघुराजा गर्ग, तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 मोबाइल बरामद हुए हैं और कई सिम बरामद हुई हैं। इनके पास से जो कई विभागों के अधिकारियों की सूचियां प्राप्त हुई हैं, उस सूचियों में लिखा हुआ है कि उन्होंने लुकायत के नाम से पैसे मांगे हैं और कि ईओडब्ल्यू के नाम से मांगे हैं। कुछ सूची में कुछ लोगों नाम के आगे लिखा है कि काम हो गया, कुछ सूची अधिकारियों के नाम के आगे लिखा है कि काम हो सकता है। इसके खिलाफ में 2019 में लोकायुक्त में भी मुकदमा कायम हुआ था और लोकायुक्त ने भी इसी जो उसकी आदत थी लोकायुक्त के नाम से पैसा मांगने की, तब इसके ट्रैप हुआ था और ये फिर सिविल लाइन थाने में इसको गिरफ्तारी की गई थी। उस प्रकरण में भी माननीय न्यायालय से इसका गिरफ्तारी वारंट जारी है, उसमें फरार चल रहा है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है ईओडब्ल्यू को, और 3 अकाउंट्स इसने ऑपरेट किए हैं। अपने बेटे के अकाउंट में भी काफ़ी पैसे डलवाया है आसकत मिश्रा के नाम पर, रघुराजा गर्ग के अकाउंट में भी काफ़ी पैसे डलवाया है, और पहले जब तक इसका अकाउंट बंद नहीं कराया था तो संजय मिश्रा खुद के अकाउंट में पैसे डलवाता था। सर, इसको कहाँ से पकड़ा गया है? इनका टीटी नगर में एक कमरा इन्होंने किराए पर ले लिया था भोपाल में, वहाँ की सूचना मिली थी और फिर पुलिस ने रेकी कर इनको गिरफ्तार किया। सर, क्या ये किसी सरकारी नौकरी में पहले से पदस्थ थे कि ये फर्जी थे? जो आरोपी का कहना है कि वो किसी सरकारी नौकरी में नहीं था, लेकिन वो सभी विभागों में उठता बैठता था, राजनीति करता था और सभी विभागों के जो कार्यप्रणाली है उससे वो भली भांति अवगत था।